Can you guys see the screen? Can you guys see the screen? No, sir. Now can you see it? ओके अब हमने लास्ट थ्योरी की थी. द लास्ट थ्योरी वी डिड वाज अबाउट लास्ट थ्योरी हमने किसकी की है? मैस्लो की ना. द मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स. नाउ वी विल डू द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ हर्ट्ज़बर्ग. नाउ हर्ट्ज़बर्ग केम अप विद टू फैक्टर्स. एक फैक्टर था वेर ही सेड दैट दोज फीलिंग्स दैट लेड टू people having better feelings, like good feelings about the job, and one factor is those feelings that led them to have negative feelings about those jobs. So usne phir uske upar apne factors ko like he concluded from there. Usne kaha do tarah ke factors hote hain, ek motivators hote hain aur ek hygiene factors hote hain. Job satisfaction resulted from five main factors. Motivators mein he said ek achievement ho sakta hai कि यू अचीव व्हाट यू वांटेड टू बी. एक रिकॉग्निशन होता है. रिकॉग्निशन फॉर अचीवमेंट इज दैट व्हाटएवर यू डू आपको उसकी रिकॉग्निशन मिल रही है. तीसरा वर्क इटसेल्फ दैट यू आर हैप्पी विद व्हाटएवर यू आर डूइंग. देन रिस्पांसिबिलिटी योर एम्प्लॉयर इज गिविंग यू सम सर्टेन रिस्पांसिबिलिटी एंड यू आर हैप्पी टू टेक इट. एंड द लास्ट वन इज एडवांसमेंट. दैट मीन्स दैट यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो. ठीक है, प्रमोशन का चांस होता है. तो इसको वो बोलता था मोटिवेटर्स. लाइक दीज आर द फाइव फैक्टर्स विच आर बेस्ड ऑन लाइक मोटिवेशन. अपार्ट फ्रॉम दैट ही सेड दैट योर जॉब डिससैटिस्फैक्शन कैन आल्सो रिजल्ट फ्रॉम फाइव मेन फैक्टर्स. एक हो सकता है कंपनी की पॉलिसीज और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब मैनेजमेंट स्टाइल एंड ऑल. सेकेंड कैन बी सुपरविजन, दैट इज योर इमीडिएट बॉस, हाउ ही इज सुपरवाइजिंग यू. Third one can be your salary, relationship with others, and working conditions. He termed them as hygiene factors. वो ये बोलता था कि अगर आपके ये सारे factors, if they go to like, if actually you see कि ये सारी चीजें अच्छाई में जा रही हैं, your hygiene factors are going on the right way, then you will feel good. ठीक है, and you will actually, ये तो basic factors हैं. अगर अगर आप इनको फुलफिल नहीं करोगे, हाइजीन जैसे होता है, अगर आप इनको फुलफिल नहीं करोगे तो वर्कर्स वुड ऑब्वियसली बी फील डिससैटिस्फाइड और वो तो वहां जॉब लेंगे ही नहीं. बट वंस यू हैव टेकन द जॉब, सो दीज मोटिवेशनल फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, मोटिवेशनल फैक्टर्स जो हमने मोटिवेटर्स बात की है कि जॉब सेटिस्फैक्शन है बिकॉज ऑफ अचीवमेंट, बिकॉज ऑफ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिकग्निशन, एडवांसमेंट, ये सब. सो द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हर्ट्ज़बर्ग टू फैक्टर थ्योरी वर के आपकी पे एंड वर्किंग कंडीशन इम्प्रूव हुई, क्योंकि ही टोल्ड द मैनेजमेंट दैट इफ द वर्कर्स वुड नॉट बी सैटिस्फाइड विद द पे एंड द ओवरऑल वर्किंग कंडीशन, तो ये सीधा सीधा आपका डिससैटिस्फैक्शन ऑफ वर्क है. And once they would not be happy, they'll not be working to their full potential. Second, he talked about the motivators need to be in place. इसका मतलब क्या होता है? उसने बोला कि भाई लोगों को sense of achievement दो, लोगों को feel कराओ that they're important, लोगों को grow करने की opportunity दो, then you will see कि वो कितनी अच्छे से आपके पास काम करेंगे. All right, these things are really important. Otherwise, they will not eventually be able to do this. ठीक है? Now, what would actually, there are three main features of job enrichment. Job enrichment का मतलब ये होता है, job enrichment is when your worker is working at the full capability, that is because you are giving them opportunity to do more challenging or fulfilling work. Iska matlab hai ki aap apne worker ko agar responsibility de rahe ho ki bhai tum apni targets khud set karo and we are there to help you out, to wo challenge hota hai, wo apne full potential pe kaam karke us cheez ko fulfill karne ki koshish karta hai.
अगर वो जॉब इनरिचमेंट करेगा तो तीन उसके लिए इम्पोर्टेंट क्या होंगे? सबसे पहला ये होगा कंप्लीट यूनिट्स ऑफ वर्क, दैट मींस के वर्कर जो है ही वुड एक्चुअली बी विलिंग टू वर्क मोर एंड कंप्लीट द टिपिकल मास प्रोडक्शन. मास प्रोडक्शन होता है जब आप बल्क में बना रहे होते हो, ठीक है? तो ही वुड एक्चुअली बी देयर कि वो पूरा फिनिश प्रोडक्ट बना के देखे. सेकेंड इज फीडबैक ऑन परफॉर्मेंस. अब व्हेन यू एक्चुअली रेकग्नाइज देयर वर्क, सो अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन अकर्स जहाँ पे आप उनकी तारीफ करते हो, आप उनको बताते हो कि भाई आपने ये अच्छा किया, एंड यू प्रोवाइड इंसेंटिव्स टू देम, कोई बोनस दे दिया, कोई कमीशन दे दिया, इस तरह का. एंड लास्ट इज अ रेंज ऑफ टास्क. फिर आप उनको टास्क विद टाइम उनकी टास्क को इंक्रीज करते जाते हो, एंड यू सी दैट दोज वर्कर्स विल इवेंचुअली बी एबल टू अचीव दैट बिकॉज नाउ दे आर टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू हैव गिवन देम द फ्रीडम टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है? तो ये उसकी थ्योरीज थी. और लास्ट में उसने ये बोला था, पहला पॉइंट तो पे और वर्किंग कंडीशंस का था, सेकेंड वॉज मोटिवेशनल फैक्टर्स, और थर्ड वॉज बिजनेस कुड ऑफर हायर पे, इम्प्रूव वर्किंग कंडीशंस एंड लेस हैवी हैंडेड सुपरविजन ऑफ वर्क. इससे आपकी डिससेटिस्फैक्शन कम होती है. हाइजीन फैक्टर से वो बोलता था कि डिससेटिस्फैक्शन कम होगी, और मोटिवेटर से ही यूज्ड टू से कि आपकी क्या बढ़ेगी, आपकी मोटिवेशन बढ़ेगी, ठीक है? इससे आपका वर्क रिवॉर्डिंग, चैलेंजिंग, इंटरेस्टिंग सब बन जाएगा, एंड पीपल वुड बी विलिंग टू वर्क ओवर हियर. तो हर्जबर्ग की अगर थ्योरी को इवैल्यूएट करें तो वी कैन अंडरस्टैंड दैट ही टॉक्ड अबाउट अ फ्यू थिंग्स. टीम वर्किंग एक था जिसके अंदर वो बोल रहा था कि भाई अगर आप अपने काम को डेलीगेट करोगे और सुपरविजन इतनी ज्यादा नहीं रखोगे तो द क्वालिटी ऑफ वर्क विल इम्प्रूव. सेकेंडली मोस्ट फर्म्स विल कंटिन्यू टू इम्प्रूव इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जिसके थ्रू मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब ग्रुप वर्क वगैरह भी होता है, और टास्क की इम्प्रूवमेंट होती है. लाइक यू एड अप द चैलेंजिंग टास्क ऑल ओवर, ठीक है? ये था हर्ट्जबर्ग की थ्योरी. नाउ द नेक्स्ट थ्योरी इज मैकलैंड, और मैकलैंड की मोटिवेशनल थ्योरी जो थी वो भी डिपेंड करती थी ऑन टू टू थ्री थिंग्स. द फर्स्ट वन वाज अचीवमेंट मोटिवेशन, दैट मींस के एक बंदे की मोटिवेशन तब आती है जब आप उसकी अचीवमेंट को रेकग्नाइज करते हो, ठीक है? अगर यू सेट अप लाइक इफ यू गिव इम्पोर्टेंस टू हिज अचीवमेंट एंड यू कंटिन्यू टू इम्प्रूव हिज चैलेंजेस, लाइक उसको आप एक रियलिस्टिक गोल सेट करके देते हो और उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो जॉब एडवांसमेंट कर सके, मतलब वो आगे जिंदगी में इन द सेम फर्म ही कैन गेट प्रमोटेड, सो ही विल वर्क अपॉन इट. सेकेंड इज अथॉरिटी और पावर मोटिवेशन. इसका मतलब होता है जो पर्सन डोमिनेंट होता है उसकी नीड होती है अथॉरिटी मोटिवेटेड. दैट मीन्स कि उसके अंदर इतना उसको आप कंट्रोल दे दो कि भाई वो अपने आप को इतना पावरफुल समझे कि वो इन्फ्लुएंशियल हो सके बाकियों के लिए, वो इफेक्टिव हो सके, एंड ही कैन क्रिएट एन इम्पैक्ट, ठीक है? ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडरशिप स्टिंक्ट है, और ये फॉर योर पर्सनल बीइंग बड़ा इम्पोर्टेंट होता है. मतलब आप पर्सनल लेवल पे बड़ा फील करते हो कि देखो मैं तो 10 लोगों के ऊपर हूँ, सो दैट मीन्स योर पर्सनल स्टेटस एंड प्रेस्टीज कम्स इनटू प्ले एंड यू फील ऑनर्ड. ऑल राइट, एंड द लास्ट वन इज एफिलिएशन मोटिवेशन. दैट इज इफ यू आर एक्चुअली एफिलिएटेड विद द मोटिवेटर्स, दैट इज कि आपका वर्किंग कल्चर इस तरीके का है दैट यू हैव क्रिएटेड फ्रेंडली रिलेशनशिप एंड यू आर एक्चुअली मोटिवेटेड टू वर्क ओवर देयर बिकॉज ऑफ द पीपल वर्किंग देयर. उनसे आपकी इंटरेक्शन ऐसी है एंड यू मेड अ गुड टीम ओवरऑल, तो उसकी वजह से यू वुड इवेंचुअली वॉन्ट के आप वहां पे काम करो. ओके, नाउ इज देयर एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? जो हमने सेकेंड पार्ट किया लेक्चर का, कोई प्रॉब्लम? नो सर. ओके, प्रोसेस थ्योरीज हैं हमारे पास. प्रोसेस थ्योरीज क्या होती हैं? प्रोसेस थ्योरी का एम्फेसिस जो होता है वो इस चीज पे होता है कि व्हाई डू पीपल चूज सर्टेन बिहेवियर्स,
और वो अपने गोल्स को मीट करने के लिए वो अपने गोल्स को मीट करने के लिए क्यों इस तरीके के बिहेवियर को फॉलो करते हैं, ठीक है। इसलिए प्रोसेस थ्योरी के जो मेन लाइक स्टडीज हैं, दे आर एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, इक्विटी थ्योरी, गोल सेटिंग एंड रीइन्फोर्समेंट। सो वी विल नॉट गो बियॉन्ड दिस, क्योंकि लिखा हुआ है कि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। नाउ जस्ट इवेल्यूएटिंग कि ये आपकी मोटिवेशनल थ्योरीज कितनी जरूरी हैं, जस्ट रिमेम्बर दैट ऑल दीज मोटिवेशनल थ्योरीज आर इम्पोर्टेंट, ठीक है, बिकॉज दे गिव यू एन आइडिया ऑफ हाउ योर वर्कर्स कैन स्टे हैप्पी। और वर्कर्स देखो, बिग ऑर्गेनाइजेशन हो, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन हो, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपके वर्कर्स की मोटिवेशन बहुत जरूरी है। बिकॉज इफ योर वर्कर्स वुड बी डिससैटिस्फाइड विद वॉट एवर दे आर डूइंग या वेर एवर दे आर वर्किंग, सो इवेंचुअली यू विल सी कि उनका काम इतना अच्छा नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम जब बात कर रहे थे मोटिवेशन की, तो आई टोल्ड यू इन द वेरी बिगनिंग कि मोटिवेशन मेरे हिसाब से या आम बंदे के हिसाब से मोटिवेशन इज द मनी यू रिसीव, इज द फाइनेंशियल रिवॉर्ड। तो देर आर लाइक अबाउट 8 वेज इन विच आप ये लोगों को रिटर्न दे रहे होते हो। एक होता है टाइम बेस्ड वेज रेट, इसका मतलब होता है कि आप उनको पर आवर पैसे देते हो, ठीक है। टाइम रेट का मतलब है कोई सर्टेन टाइम पे डेवलप कर लेते हो एंड यू आर पेइंग देम अकॉर्डिंग टू दैट आर। सो अगर मैं बोलता हूँ कि एक वर्कर की वेज रेट इज 200 रुपीज पर आवर एंड ही वर्क्स 8 आवर्स विद मी, दैट मीन्स दैट ही कैन एंड अप अर्निंग 1600 रुपीज पर आवर ओ पर डे, ठीक है। तो अगर वो बोलेगा कि आज सर मैंने 5 घंटे काम करना है, सो ही विल इवेंचुअली अर्न 1000 रुपीज, सो दैट इज पर आवर। सेकेंड वन इज पीस रेट, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ आउटपुट, नंबर ऑफ यूनिट्स ही मेक्स। सो अगर हम ये बोलें कि भाई आपको दिन में वो 3 यूनिट्स बना रहा है एंड फॉर 1 यूनिट ही इज बीइंग पेड 300 रुपीज, सो इवेंचुअली पीस रेट के थ्रू उसके पर डे की पैसे कितने हो जाएंगे, 900। सो इट डिपेंड्स कि आप पीस रेट यूज कर रहे हो या आर्ली रेट यूज कर रहे हो, ठीक है। आर्ली रेट का कब होता है, जब आपको पता है कि वर्कर जो है वो छुट्टी कर सकता है या वर्कर्स जो है वो टेम्पररी रखे हुए हैं, तो हमें नहीं पता कि भाई वो आ जाएगा या नहीं आएगा या हमें कितनी जरूरत है। पीस रेट का कब होता है, जब आप देखते हो कि लोग जो है वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बस बैठे हुए हैं क्योंकि उनको सैलरी मिलती है या उनको पर आवर मिलता है, तो आप कहोगे भाई जितने गुड्स बनाओगे हम उतने पैसे देंगे। बट वॉट कैन बी द प्रॉब्लम इन पीस रेट, अगर आप ये बोल देते हो ना कि हम आपको इतना काम मतलब इतने टाइम में देंगे, तो फिर लोग जबरदस्ती ज्यादा बनाने की वजह से व्हाट दे डू इज दे फॉरगेट अबाउट द क्वालिटी ऑफ द वर्क। बस वो ज्यादा बनाने के चक्कर में दे वेस्ट अ लॉट ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है। उसके बाद वी हैव सैलरीज। सैलरीज जो हैं, सैलरीज आर वेरी सिंपल। सैलरी जो है ये जो आफ्टर 1 मंथ जो होता है वो सबसे बेसिक फॉर्म ऑफ पेमेंट है, ठीक है। ये फिक्स्ड होती है, ये आपको बता दिया जाता है कि भाई पर मंथ आपको इतने पैसे मिलेंगे जितने भी घंटे काम करोगे, मतलब ऑब्वियसली अगर एब्सेंट होगे या छुट्टी करोगे सो वील कट इट फ्रॉम द सैलरी, बट ओवरऑल 1 मंथ के आपके इतने पैसे बनते हैं, ठीक है। तो सैलरीज में ये भी नहीं होता कि कितने यूनिट्स बना रहे हो या कितना वो कर रहे हो, यू हैव अ बेसिक आइडिया, ठीक है। तो एडवांटेज क्या है सैलरी का, इट गिव सिक्योरिटी ऑफ इनकम, यू आर श्योर के कितने पैसे मिलते हैं। इट गिव स्टेटस कंपेयर टू टाइम रेट और पीस रेट, मतलब टाइम रेट और पीस रेट आई टोल्ड यू इट्स फॉर टेम्पररी एम्प्लॉयज, सैलरी इज फॉर परमानेंट, सो यू फील सैटिस्फाइड। इट एड्स इन कॉस्टिंग, इसका मतलब है कि आपको पता होता है कि अगर मैंने हाउ मच आई कैन स्पेंड बिकॉज दिस इज द अमाउंट आई एम अर्निंग, तो मुझे ये पता होगा कि मैं कितने कमा रहा हूँ तो कितने में स्पेंड कर सकता हूँ। फोर्थ वन इज इट इज सूटेबल फॉर जॉब्स वेयर आउटपुट इज नॉट मेजरेबल, तो कई दफा यू आर प्रोवाइडिंग अ सर्विस, तो जब आप आउटपुट मेजर ही नहीं कर सकते तो आप पीस रेट पे जाओगे ही नहीं, सो यू विल इवेंचुअली गो फॉर सैलरीज।
लास्ट इज इट इज सूटेबल फॉर मैनेजमेंट पोजीशन वेयर स्टाफ्स आर एक्सपेक्टेड टू पुट इन एक्स्ट्रा टाइम। तो अब देखो अगर हम टाइम पे जाते तो वो एक्स्ट्रा टाइम वालों को तो फिर आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते। नाउ इफ यू आर गिविंग अ सैलरी लाइक आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ एमएनसीज जहां पे भाई काम होता है, तो अगर काम ज्यादा है सो दे आर वर्किंग ऑन अ सैलरी। हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि आप कितना टाइम लो। यू कैन टेक ऑल योर टाइम और यू कैन कंप्लीट इट इन 3 आवर्स, इट्स अप टू यू, बट वील पे यू अ सैलरी इन द एंड। सही है। डिसएडवांटेजेस, इनकम इज नॉट रिलेटेड टू एफर्ट लेवल्स और प्रोडक्टिविटी। अब सबको एक ही पैसे मिल रहे हैं, लाइक एवरीवन इज अर्निंग द सेम अमाउंट इवन इफ यू डूइंग गुड और नॉट। ये सैलरी बेस्ड है। इट मे लीड टू कम्प्लेसेंसी ऑफ द सैलरी अर्नर। अब आपको पता है यार एंड में पैसे तो मिल ही जाने हैं, सो इट्स नॉट रियली इम्पोर्टेंट कि आप कितना काम करो। ठीक है। द थर्ड वन इज रेगुलर अप्रेजल मे बी नीडेड टू असेस वेदर एन इंडिविजुअल शुड मूव अप अ सैलरी बैंड। सो अप्रेजल क्या होता है, आफ्टर एवरी ईयर यू हैव एन अप्रेजल। ठीक है। उसके अंदर आपकी परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट करते हैं और फिर बताते हैं कि भाई इसने अगर अच्छा परफॉर्म किया है तो इसकी सैलरी में 10% इंक्रीज कर दो, अगर उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो उसकी सैलरी को इंक्रीज नहीं करते। ठीक है। एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस? ओके। सो मूविंग ऑन, फिर कमीशन होता है। कमीशन क्या होता है, ये यूजुअली सेल्स पर्सन को दिया जाता है और उसको बता दिया जाता है कि भाई आप जितनी सेल करोगे उसका फॉर एग्जांपल 10% हम आपको कमीशन देंगे। ठीक है। तो एक तो उनकी सैलरी फिक्स्ड होती है, उसके ऊपर इनको कमीशन मिलता है। इसका एडवांटेज क्या है कि जब आप ये बोलते हो तो वो कोशिश करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा सेल करें। एंड डिसएडवांटेज क्या है कि वो ज्यादा से ज्यादा सेल करने के चक्कर में वो कई दफा कस्टमर्स को फोर्स करते हैं, कई दफा सेलिंग प्राइस कम कर देते हैं, कई दफा रिलेशनशिप खराब कर देते हैं कस्टमर्स। सो दैट कैन बी अ प्रॉब्लम एज वेल। बोनस पेमेंट्स, बोनस पेमेंट्स जो हैं, जो एक्स्ट्रा अमाउंट आप वर्कर्स को देते हो, ये यूजुअली पाकिस्तान में वी गिव बोनसेस ऑन ईद। ठीक है। बकरा ईद पे और नॉर्मल ईद पे जो है वो आप पर मंथ का एक बोनस, मतलब हाफ मंथ सैलरी और वन मंथ सैलरी। तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द मोटिवेशनल फैक्टर के आप उनको खुश करने के लिए देते हो। द नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस रिलेटेड पे। यू पे देम अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस। ठीक है। ये बेसिकली दिस इज लाइक अ बोनस एज वेल कि अगर आप कहते हो कि भाई मैंने आपकी परफॉर्मेंस इवेल्यूएट की, इट वॉज वेरी नाइस, तो आई विल गिव यू 2 मंथ लाइक एक्स्ट्रा बोनस। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी थी तो 1 मंथ, और परफॉर्मेंस नॉर्मल थी तो बस आपको हाफ मंथ सैलरी एक्स्ट्रा मिलेगी। तो आप एक रेगुलर टारगेट सेट करते हो, ऑब्जेक्टिव सेट होते हैं इंडिविजुअल के, फिर उसको अप्रेज किया जाता, मतलब अप्रेजल होता है, देखा जाता है कि आपने कैसे इवेल्यूएट करते हो, कैसा परफॉर्म किया। इफ इट्स बेटर तो फिर आपको आगे भेज दिया जाता है, लाइक यू आर गिवन द परफॉर्मेंस अप्रेजल। उसके बाद होता है प्रॉफिट शेयरिंग। कोई जो छोटी कंपनीज होती है ना, वो एट टाइम्स ये कहती हैं कि भाई देखो एम्प्लॉयज को कि हम आपको बहुत सैलरी तो नहीं दे सकते, बट वॉट वी कैन डू इज वी कैन गिव यू अ स्मॉल शेयर इन द प्रॉफिट्स। जैसे अगर आपकी सैलरी 50,000 है और आप बहुत काबिल हो और सब कुछ, बट यू विल वर्क विद अस, सो वॉट वी कैन से इज दैट वी विल गिव यू 10% इन द प्रॉफिट्स। तो हर महीने का अगर जो प्रॉफिट होगा उसमें से 10% फॉर एग्जाम्पल उस एम्प्लॉय को चला जाएगा। ये आप यूजुअली किसको दे रहे होते हो, वो लोग जो के बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं एंड यू वांट देम टू बी पार्ट ऑफ द कंपनी। सही है। इसलिए आप प्रॉफिट शेयरिंग करते हो। अच्छा, लास्ट चीज है फ्रिंज बेनिफिट्स। पहले मुझे ये बता दो, बहुत ज्यादा तो नहीं हो गया फॉर टुडे? नहीं सर, आई थिंक इट्स द लास्ट थिंग, राइट? फ्रिंज बेनिफिट्स। हाँ, फ्रिंज बेनिफिट्स में, बट देर आर अ फ्यू थिंग्स, तो फिर थोड़ा सा समझते रहना। अच्छा, फ्रिंज बेनिफिट्स का मतलब ये होता है कि ये नॉन कैश रिवॉर्ड्स हैं।
हम अभी तक बात कर रहे थे सारी चीजें दैट वर रिलेटेड टू कैश अवार्ड्स, ठीक है, लेकिन फ्रिंज बेनिफिट्स होते हैं, द जॉब सेटिस्फैक्शन पीपल गेट, द बेनिफिट्स अदर देन पे, ठीक है, जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को देता है. तो अब आपके पास नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स में क्या क्या आ जाता है? यू हैव जॉब रोटेशन, यू हैव जॉब इनलार्जमेंट एंड यू हैव जॉब इनरिचमेंट. सबसे पहले जॉब रोटेशन का मतलब ये होता है दैट यू रोटेट द पर्सन फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर सो दैट ही डजेंट फील के मैं बोर हो गया हूँ एक काम से. अगर मैं स्कूल में इफ आई वाज टीचिंग बिजनेस स्टडीज एंड आई वाज टीचिंग द सेम बुक फॉर 2 ईयर्स सो दे फील के भाई अब ये सर जो है ये ही इज लाइक बोर्ड विद हिज सब्जेक्ट, लेट्स गिव हिम अकाउंट्स फॉर द 3rd ईयर. दैट इज जॉब रोटेशन, ठीक है, मुझे एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया. जॉब इनलार्जमेंट का मतलब होता है दैट यू आर इंक्रीजिंग द वर्क लेवल. अब इफ आई वाज टेकिंग बिजनेस स्टडीज फॉर क्लास 9, जॉब इनलार्जमेंट वुड मीन दैट दे गिव मी बिजनेस स्टडीज फॉर क्लास 10 एंड 11. मेरी जॉब को इनलार्ज कर दिया है, ठीक है, मतलब मुझे उसी काम में सेम सब्जेक्ट में दे हैव गिवन मी अ हायर लेवल. एंड व्हाट वुड बी जॉब इनरिचमेंट? जॉब इनरिचमेंट वुड एक्चुअली मीन जो हमने पहले भी पढ़ा था कि यू आर चैलेंजिंग द पर्सन, ठीक है, आप उस बंदे को चैलेंज कर रहे हो बाय गिविंग हिम लाइक सेटिंग अप मोर ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स एंड चैलेंजेस फॉर दैट पर्सन. दैट इज इससे जॉब पे इंक्रीज इनरिचमेंट. होगी? यस, इट डिपेंड्स कि आप पे इंक्रीज करते हो. देखो जॉब रोटेशन पे जरूरी नहीं है, बट यस व्हेन वी टॉक अबाउट जॉब इनलार्जमेंट एंड जॉब इनरिचमेंट सो वी आर इंक्रीजिंग द लेवल. जॉब इनरिचमेंट पे तो डेफिनेटली इंक्रीज होगी, इनलार्जमेंट पे भी इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी, ठीक है. वो कई दफा ये होता है कि आप बोल देते हो जैसे आई वाज बिकॉज़ आई वाज गिविंग यू एन एग्जांपल ऑफ स्कूल्स सो स्कूल वुड नॉट इंक्रीज द पे, दे विल जस्ट से कि भाई वी हैव लाइक्ड योर वर्क एंड वी वांट यू टू गो टू क्लास 10 एंड क्लास 11. दैट वुड बी जॉब इनलार्जमेंट, ठीक है. एनरिचमेंट का ये होगा कि आपको चैलेंज ही दूसरे लेवल पे कर दिया जाएगा. आपको फॉर एग्जांपल बोल दिया जाएगा कि भाई वी वांट यू टू डू दिस वर्क एज वेल टीचिंग एंड वी वांट यू टू बी पार्ट ऑफ द रिजल्ट एनालिसिस टीम और वी वांट यू टू बी पार्ट ऑफ द हेड ऑफिस टीम एज वेल जो ये करती है वो करती है. व्हाई आर यू डूइंग दिस? बिकॉज़ यू फील दैट दिस पर्सन कैन बी चैलेंज्ड और इसको भी पता चलेगा, ठीक है. जी सर, ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. नाउ देन वी हैव जॉब रीडिजाइन. जॉब रीडिजाइन इज दैट एक ही काम को लाइक व्हेन वी से दैट वी डूइंग द सेम थिंग बट वी रीडिजाइनिंग आवर मेथड्स. सो व्हेन वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट दीज एग्जांपल्स, अगर हम ये वाले स्कूल के एग्जाम्पल ले रहे थे तो हम रीडिजाइन किस तरीके से करते हैं? हम रीडिजाइन इस तरीके से करते हैं कि अगर हम वी वर यूजिंग बुक्स इनिशियली ना एंड वी वर यूजिंग बोर्ड्स एंड ऑल. जॉब रीडिजाइन का मतलब है हम टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर देते हैं, हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस ले आते हैं, हम प्रोजेक्टर्स ले आते हैं सो दैट यू फील डिफरेंट एंड यू फील हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद योर वर्क, ठीक है. तो ये जॉब डिजाइन होता, रीडिजाइन होता है. नेक्स्ट इज ट्रेनिंग. ट्रेनिंग का मतलब होता है दैट यू इम्प्रूव द स्किल लेवल. एंड व्हाई आर यू इम्प्रूविंग द स्किल लेवल? यू आर इम्प्रूविंग द स्किल लेवल ताकि यही वर्कर्स जिनका स्किल सेट अभी इतना है वो इतना इम्प्रूव हो जाए दैट यू गो ऑन टू लाइक ओवरऑल इम्प्रूव, ठीक है. आपकी ट्रेनिंग इतनी हो जाए कि आप इतना इम्प्रूव हो जाओ कि आपका प्रोडक्टिविटी लेवल भी हाई हो जाए और आप खुशी खुशी अपने वर्कर्स के साथ काम करने वो अपने एम्प्लॉयर्स के साथ काम करने को रेडी हो. क्वालिटी सर्कल्स बेसिकली डिपेंड्स अपॉन टीम वर्क. आपकी कोशिश होती है कि आप आपस में एक टीम वर्क बना सको और उसके थ्रू काम करो. टीम वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना. वो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपका अगर वर्किंग कल्चर में टीम वर्क होगा तो आप खुशी खुशी काम करोगे इवन इफ द पे इज नॉट दैट हाई. वर्कर पार्टिसिपेशन, डेलीगेशन, एम्पावरमेंट,
ये सारी चीजें एक ही तरह की बात करती हैं. दे टॉक अबाउट हाउ द वर्कर्स आर इन्वॉल्व्ड, मतलब यू आर मेकिंग देम पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग, यू आर इन्वॉल्विंग देम विद पीपल. तो दैट इज लाइक यू आर गिविंग देम द पावर, यू आर एम्पावरिंग देम, यू आर गिविंग देम द रिस्पॉन्सिबिलिटी. डेमोक्रेटिक लीडरशिप. जी 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 बिल्कुल महा, एग्जैक्टली वही है. ओके एंड लास्ट टू थिंग्स जो रह गई हैं वो डेलीगेशन और टारगेट सेटिंग है. टारगेट सेटिंग का मतलब ये होता है कि आप अपने टारगेट सेटिंग का मतलब ये होता है दैट यू सेट अप द ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, ऑब्जेक्टिव सेट करो और उसको फुलफिल करो. अगर आप टारगेट सेट नहीं करोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे. एज अ फर्म, as an employer, as an employee, you need to set up targets and then you need to evaluate ki usko fulfill kiya gaya ya nahi. Last thing is delegation. Delegation ka matlab hota hai ki employer ki zimmedari hai that he delegates the work. Matlab subordinates ko bataye ki tum logon ne ye karna hai. Ye nahi ki aap unse expect karo ki aapne kyun nahi kiya. You need to delegate them ki this work needs to be done. All right. So, ये हमारा देखो जॉब एनरिचमेंट हो गया, जॉब रीडिजाइन हो गया, ट्रेनिंग हो गया. नाउ व्हाट आई वुड लाइक यू पीपल टू डू वंस द क्लास एंड्स दैट प्लीज गो थ्रू दिस टॉपिक कम्प्लीटली और फिर ये हमारा चैप्टर ओवर हो गया. एंड आस्क मी इफ देयर इज एनी क्वेश्चन. अगर तुम लोग एक ही क्लास में पढ़ लोगे एंड इन द नेक्स्ट क्लास यू विल कम अप विद क्वेश्चन, सो इट्स फेयरली इजी फॉर मी टू आंसर. ठीक है जी सर. सो वी विल एंड द क्लास ओवर हियर एंड नाउ वी हैव अ क्लास ऑन संडे इन व्हिच वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक. ऑलराइट, ओके या ऑलमोस्ट 10:30 तक हम स्टार्ट करते हैं. ओके, अल्लाह हाफिज़. अल्लाह के शुक्र आपकी है.